नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 23 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो आप इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, 22 मार्च 2021 को बिहार ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बिहार। 1912 में इसी दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। और देखो 2021 की थीम क्या है, जल जीवन हरियाली। फिर से बोलता हूँ, जल जीवन हरियाली, ये इसकी थीम है 2021 की। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बिहार। अब बात यहाँ पे देखो बिहार की हुई है, तो बिहार का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बिहार में कलराव उत्सव का आयोजन किया गया। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कलराव उत्सव इसका आयोजन किस राज्य में किया गया, तो इसका आयोजन बिहार में किया गया। दूसरा पॉइंट, नागी बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य ने राज्य में उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताजा मामले सामने आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, एसके सिंगल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बिहार के नालंदा में बना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार में लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये बिहार में लॉन्च की गई। बिहार मंत्रिमंडल ने 103 नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी। तो देखो, ये तो बात करी हमने बिहार के करंट अफेयर के बारे में। बिहार की लोकेशन कहाँ है पहले आप ये देख लीजिए, ये है बिहार की लोकेशन, देखो ये है बिहार। अब इसकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तीन राज्यों के साथ बिहार की बाउंड्री टच होती है, और नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है बिहार। तो ये तो बात करी हमने इसकी बाउंड्री के बारे में, अब इसकी बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है, तो देखो बिहार की जो कैपिटल है ये है पटना। अब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, देखो फॉर्मेशन हुई थी 22 मार्च 1912 में, लेकिन इसको राज्य का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। फागू चौहान ये राज्यपाल है। 38 जिले हैं, लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, पटना में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कारोल, और इन तीन राज्यों के साथ बिहार की सीमा लगती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, देखो इस डिस्कशन में हमने 1 से लेकर 15 मार्च तक के टॉप 35 करंट अफेयर को कवर किया है, और ये जो 35 क्वेश्चन है ना, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, केंद्र जल्द ही उत्पादकता बढ़ाने और इनपुट लागत को कम करने के जुड़वा उद्देश्य के साथ पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू करेगा? तो देखो, केंद्र प्रोडक्टिविटी को, मतलब ये जो एनिमल हस्बेंड्री क्षेत्र है ना, इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, एक तो ये उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी इसको इंक्रीज किया जाएगा, और जो कॉस्ट है इसको कम किया जाएगा, मतलब जो इनपुट कॉस्ट है इसको कम किया जाएगा। तो इसके लिए 5000 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 5000 करोड़ रुपए। देखो, इस प्रकार के जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखो, ये न्यूज में क्यों था, न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 6 टाइगर जो थे ये मिसिंग थे, तो इसी के चलते ये टाइगर रिजर्व चर्चे में आया। तो ये कहां पर है, ये राजस्थान में स्थित है, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात यहाँ पे देखो राजस्थान की हुई है, लेकिन उससे पहले ना हम ये जो टाइगर है इनके बारे में समझ लेते हैं। देखो, लेटेस्ट डाटा 2018 के जो लेटेस्ट डाटा है ना, इसके अनुसार आज के डेट में कितने टाइगर है भारत के अंदर, 2967 टाइगर है आज के डेट में भारत के अंदर। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा टाइगर हैं ये कहां पर हैं, ये हैं मध्य प्रदेश के अंदर। कितने हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है 526। इसके बाद नंबर आता है किसका, कर्नाटका के कितने हैं, 524। सिर्फ मध्य प्रदेश से दो कम है, मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटका में 524। तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड में कितने हैं, 442। और इसके बाद चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र में कितने हैं, 312 टाइगर है। तो ये शुरू के टॉप 4 आप याद रखेगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड और महाराष्ट्र।
और देखो अगर ये पूछा जाए 2014 से लेके और 2018 के बीच में, मतलब 2014 से लेके और 2018 के बीच में बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 33%। ये भी आप याद रखेगा। तो देखो बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देश के अंदर राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने मास्क को मैंडेटरी कर दिया है, मतलब कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। तो पहला पॉइंट यह है। सेकंड पॉइंट, भारत पाकिस्तान सीमा पर यानी राजस्थान के अंदर 8000 मेगावाट कैपेसिटी वाला रेन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 नवंबर 2020 को जब पांचवा आयुर्वेद दिवस मनाया गया, इस मौके पर दो आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया वर्चुअली। एक का किया राजस्थान के जयपुर में और दूसरे का किया गुजरात के जामनगर में। फोर्थ पॉइंट, जयपुर के अंदर राजस्थान ने ऑर्गेनिक डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया, मतलब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने। फिर अगला पॉइंट, राजस्थान के अंदर जो हमारे खेल, मतलब ये जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने 200 किलोमीटर की वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई जिसका मकसद था फिट इंडिया को प्रमोट करना। सिक्स्थ पॉइंट, राजस्थान में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये तो बात करी हमने राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में, इसकी लोकेशन देखिए आप कहां पर है। देखो ये है राजस्थान की लोकेशन, इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। अब इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। देखो इसकी कैपिटल है जयपुर, और जयपुर ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है, और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेगा। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को अशोक गहलोत ये मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। और देखो कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, इसके बारे में अभी हमने कवर किया, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी जो चुरू में स्थित है, और बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी और नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 तक वंदे भारत मिशन के तहत विश्व भर से कितने लोगों को वापस लाया गया। देखो ये जो मिशन है ना, वंदे भारत मिशन, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 67.5 लाख से ज्यादा लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत मार्च 2021 में वापस लाया गया। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 67.5 लाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 मार्च 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1411 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है ना मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 21 मार्च 2021 को 1400 करोड़, मतलब ये जो 1411 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, और इसमें 22 जिले में जो 163 प्रोजेक्ट हैं इनका संबंध किस किस से है, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, रोड, वाटर पावर से संबंधित 163 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। देखो बात हरियाणा की हुई है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेगा, अभी मार्च 2021 में हरियाणा में, यहाँ पे आएगा हरियाणा, हरियाणा की विधानसभा ने लोक व्यवस्था में विघन के दौरान शर्त वसूली विधेयक 2021 पारित किया है। अब हरियाणा की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, यह है हरियाणा की लोकेशन, इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है, ऊपर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये इधर दिल्ली है, ये देखिए यहाँ पर है दिल्ली, ये राजस्थान, और ये इधर है पंजाब। तो फिर से बोलता हूँ, देखो 5 तो है राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, और एक है केंद्र शासित प्रदेश। टोटल मिलाकर हो गए 6, जिनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। हरियाणा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। फॉर्मेशन कब हुई थी हरियाणा की, 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में हाईकोर्ट है। देखो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के कॉमन हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के रविशंकर झा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मार्च 2021 में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ, तो बताइए। तो देखो ये हुआ बनारस का जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, वाराणसी। तो याद रखेगा इंपोर्टेंट है, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान की 105वीं जयंती किस दिन मनाई गई।
तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या, 21 मार्च। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनका जो जन्म हुआ था ना ये बिहार में हुआ था, कब, 21 मार्च 1916 में। फिर से बोलता हूँ, 21 मार्च 1916 में बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और 2001 में तो 2001 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। और 1950 में जब फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ, इस मौके पर इन्होंने शहनाई बजाई थी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 मार्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने की? तो देखो ये इसकी शुरुआत, मतलब इसकी जो शुरुआत की ना, ये की थी किसने, ये की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो कब हुआ ये, वर्ल्ड वाटर डे, और वर्ल्ड वाटर डे ये कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो कैंपेन है ना, ये कब से लेके कब तक चलेगा, ये चलेगा 22 मार्च से लेके 30 नवंबर 2021 तक। 22 मार्च 2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक ये चलेगा। और इसकी थीम क्या है, कैच द रेन, वेर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने ग्राम उजाला योजना को किस राज्य से लॉन्च किया? तो देखो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बिहार के आरा से। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बिहार के आरा, यहाँ पे लिख देता हूँ, बिहार के आरा से इसे लॉन्च किया गया है। इस स्कीम में होगा क्या, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण एरियाज में एलईडी बल्ब इनको वितरित किया जाएगा कम प्राइस में, 10 रुपये में एक बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बस आप इतना याद रखेगा, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसे बिहार के आरा से लॉन्च किया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। और बिहार के बारे में हम इसी डिस्कशन में फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए, देखो ये जो पुरस्कार है ना प्रिट्जर, ये दिया जाता है किसके क्षेत्र में, वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अब ये किसको मिला है, तो देखो ये मिला है 2021 में फ्रांस के दो लोग, कौन है ये फ्रांस के, एक का नाम है एनी लैकटॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ, एनी लैकटॉन, और दूसरे कौन है, जीन फिलिप वेसल। तो इन दोनों को मिला है ये प्रिट्जर पुरस्कार 2021 के लिए, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और ये दोनों ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की कैपिटल है क्या, पेरिस। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ये मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 मार्च। इसका मकसद क्या होता है, फॉरेस्ट के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना कि इसको कंजर्व किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को इंक्रीज किया जा सके। थीम क्या है इस बार इसकी, थीम यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉरेस्ट रीस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। फिर से बोलता हूँ, फॉरेस्ट रीस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो देखो यहाँ पे डेज की बात हुई है ना, डेज वाली, तो मार्च के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च को CISF ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 11 मार्च को 2021 में 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया, 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है, 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकिलिंग डे मनाया जाता है, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है, और विश्व गोरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे ये भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये तो बात करी हमने मार्च के जो इम्पोर्टेंट डेज थे, अब देखो ये हैं फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज। इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके फिर आप नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश ने किस राज्य के साथ सीमा पर अधिक सीमाहट खोलने की पहल की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या, मिजोरम। बांग्लादेश ने मिजोरम के साथ सीमा पर अधिक सीमाहट खोलने की पहल की है। अब बात मिजोरम की हुई है तो मिजोरम की लोकेशन देखिए, यह है मिजोरम की लोकेशन। इसकी सीमा मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम, 3 राज्यों के साथ लगती है। और यहाँ पे किसके साथ लगती है,
ये तो देखो बर्मा यानी म्यांमार के साथ लगती है, और इधर बांग्लादेश के भी साथ इसकी बाउंड्री टच होती है मिजोरम की। मिजोरम की अगर हम कैपिटल की बात करें तो ऐजवाल ये इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी तो देखो 21 जनवरी 1972 में ये यूटी बना, और आगे चलकर 20 फरवरी 1987 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा। राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधर पिल्लई। 11 जिले हैं लोकसभा और राज्यसभा की, एक सीट, विधानसभा की 40 सीटें हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट है इसकी, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। असम, त्रिपुरा और मणिपुर तीन राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सैन्य प्रत्यक्ष रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है तो बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चाइना। पहले पे चाइना है, दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, तीसरे पे है रशिया और चौथे पे आता है अपना देश भारत। तो ये आप सीक्वेंस याद रखेगा, पहले पे चाइना जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे पे रशिया और चौथे पे आता है अपना देश भारत। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कितनी जोड़ी नई विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। सॉरी ये देखो यहाँ पे मार्च नहीं आएगा, ये आप काट दीजिए, इसके बदले में आएगा ट्रेन। तो उत्तर रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 18 जोड़ी नई विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 ट्रेनें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस कब मनाया गया? तो देखो 2021 में यह दिवस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। ये पर्शियन न्यू ईयर होता है, याद रखेगा आप इतना। और इसे 2010 में इंटरनेशनल नॉरेज डे, ये इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इसको कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 21 मार्च को। और देखो जो मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको हम कवर कर चुके हैं इसी डिस्कशन में। तो ये तो थे हमारे करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन क्या है? वंधन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य यूटी ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी? जम्मू कश्मीर, सही आंसर है। यूएसआईएआई पहल किन दो देशों की है? तो ये भारत और अमेरिका की है। पिंगली वेंकैया के लिए भारत रत्न की मांग किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। मार्च 2021 में पहली अमेरिकी चीन बैठक किस स्थान पर हुई? तो ये अलास्का में हुई। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। जूटेबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित सड़क किस देश की है तो बताइए। जहाँ पे देखो सबसे जो सेफेस्ट रोड है ये किस देश की है, जहाँ पे एक्सीडेंट ना के बराबर होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। किसने सही दिशा अभियान शुरू किया है? देखो अभी जिसने स्टार्ट किया है ना उसके बारे में आप बेसिक डिटेल भी लिखिएगा। भारत ने किस देश को टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए 20,000 लीटर मैलाथियन कीटनाशक भेजी है? देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो ना उसके बारे में आप उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी, उसके पीएम कौन है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, उसकी लोकेशन कहां पर है, ये भी आप बताइएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की क्या रैंक है? इसमें आप भारत की रैंक भी बताइएगा और शुरू की जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उनकी भी रैंक आप बताइएगा वो कौन सी हैं। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो आपको ये भी बताना है 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, और 2018 और 2019 में किसे दिया गया था उनका नाम भी आपको बताना है। G7 में कितने सदस्य हैं और इन सदस्यों की आपको नाम भी बताने हैं, कौन कौन से मेंबर हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।